हेलो दोस्तों, दिस इज एम कुमार फ्रॉम के पी एस, दैट इज नो फोटोशॉप। वंस अगेन मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्रांड नए एपिसोड, दैट इज फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या नया लेकर आए हैं वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बट हम सबसे पहले बताएंगे कि कुछ फोटोशॉप में नया हमेशा करने की कोशिश रहती मेरी, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ नया मिले, इंटरेस्टिंग मिले, मज़ा मिले उसमें, क्योंकि मैं हमेशा फोटोशॉप को एक अमेजिंग व्यू की तरफ से सोचता हूँ। तो आज हम लोग एक इमेज या फिर एक फोटो को मास्क करके, लेयर मास्किंग करके हम लोग किस तरह से खूबसूरत या फिर कोई डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत मेहनत से आप लोग ट्यूटोरियल्स रेडी करते हैं, तो फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो जिनको ज़रूरत है इन सब टाइप की इंफॉर्मेशन की, तो डेफिनेटली आप उन तक शेयर करें, ताकि हमारा जो पेज जो है ज़्यादा ज़्यादा तो लोग पहुँचे। तो आज हम लोग चलिए लेयर मास्किंग पर काम करते हैं। बैक टू माई स्क्रीन। तो ये हमने एक इमेज लिया डेफिनेटली फ्रॉम गूगल, ठीक है। एक फीमेल मॉडल या फिर कोई भी आप कोई किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये एक इमेज दिया है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि हमने ये रहा आपका इमेज, ठीक है। तो हम लोग इसको, इसके बैकग्राउंड को हम लोग अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है, और लेयर को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो दिस वन इज बाई मॉडल, लेयर वन इज बाई मॉडल, और ये रहा वाइट वाइट, ठीक है। अच्छा, तो लेयर में एक्चुअली होता क्या है, लेयर मास्क में होता है कि हम लोग किसी भी लेयर को मास्क करके उसको हम लोग डिजायर्ड वे में चेंज कर सकते हैं, लाइक कलर का कंट्रास्ट कर सकते हैं, उसका हम लोग ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, किसी भी तरह का कलर दे सकते हैं उस पर, किसी का ब्लेंड, किसी भी टाइप का ब्लेंड मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के सारी चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे लाइक सॉलिड कलर, ग्रेडियंट पैटर्न, ब्राइट कॉन्ट्रास्ट, लेबल कोव, एक्सपोजर वाइब्रेंस, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर, ये सब जितने सारे लिस्ट हैं, आप इनको वन बाय वन इस सॉलिड कलर पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट टूडे वी विल ट्राई टू नो हाउ द लेयर मास्क वर्क्स ऑन एन इमेज, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस इमेज पर वो काम करना शुरू करते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर हमने जो लिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये जो लेयर मास्क है, जस्ट हैव अ क्लिक, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब लेयर मास्क मोड में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन चेंज करना है, यहाँ से ये पूरी लिस्ट है, लाइक आपको मैं लेवल्स दिखा दूँ। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं इसको होल्ड कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इरेजर टूल लेते हैं। तो इरेजर टूल में आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्रश के जो पैटर्न्स हैं, इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, इसमें कोई भी आप ब्रश टूल लेकर के यहाँ से इसके साइज को बढ़ा करके, यहाँ पर हम ब्रैकेट्स इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और हम लोग जस्ट यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम देखते हैं क्या होता है। वाओ, अमेजिंग, ठीक है। ये हमने विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टूल से हमने ये आउटपुट लाया है। अब इसको आप और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंज क्या हो सकता है, जैसे यहां पर देखिएगा ब्लेंड ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था कि ब्लेंड आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये रहा आपका ब्लेंड, ये आपका वाइट ब्लेंड, जितने सारे आपको यहां पे मिलेंगे इस तरह के सबको डिवाइड है, ये रहा कलर, वो दस, वेरी गुड, ठीक है। एक एक आपका इफेक्ट हो गया। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूं, लेट्स मूव टू अनदर इफेक्ट, ठीक है। मैंने यहां से क्लियर लिया, इसको मैंने यहां पर क्लिक कर दिया एड लेयर मास्क। यहां से आप बटन को चेंज करिए, लाइक जो भी इफेक्ट आपको लगे
कि जैसे ये वाला इफेक्ट है, आप यहाँ पर इफेक्ट को बड़ा कर लीजिए ब्रेस्ट को, इसके बाद एक नया लेयर लेकर के यहाँ पर इसको मैंने फिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लेयर को लेकर के इस तरह से देखिए, ये आपका लेयर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब चाहे तो इसके लेयर, इसके जो इसका जो इमेज है इसको प्लेस भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वांट टू मूव दिस इमेज फ्रॉम हियर टू देयर, आप मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए आप पोजीशन करिए, और ये आपका जो बैकग्राउंड है आपका मास्क मोड में जा रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका लेयर मास्क। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से एक नया लेयर ले लिया। इसके बाद हम यहाँ से इफेक्ट में जाते हैं, लाइक वाइब्रेशन जाते हैं, वाइब्रेंस में। अब देखिए द वर्क इज बेसिकली गिविंग ऑन द लेयर वाइब्रेंस वन, ठीक है। एक चीज याद रहे, आपके जो मेन इमेज है उस पर वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं इट इज बेसिकली वर्किंग ऑन आवर न्यू लेयर, ओके। सो मेक श्योर कि आपका जो इमेज है इज इन वेरी सेफ मोड, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, कोई दूसरा इफेक्ट आप यहां से इस्तेमाल करें, लाइक आई एम गोइंग फॉर लेवल, लेवल्स में जाकर के यहां पर इमेज को, इसके लेवल्स को कम या ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगेन, अगर मैं यहां से दूसरा कलर लेता हूं, एक्सपोजर लेते हैं, एक्सपोजर लिखते हैं, तो अब देखिए ये रहा आपका एक्सपोजर ऑप्शन, ठीक है। ये रहा आपका एक्सपोजर, ओके दोस्तों। तो ये रहा आपका लेयर मास्क। लेयर मास्किंग से आप कई सारे इमेज को अलग अलग मोड में वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको जरूरत है कि लेयर मास्किंग होता क्या है उसको जानने की, ठीक है। मैंने आज 2-3 इफेक्ट आपको बता दिया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को छोड़ें, और हम लोग उस पर वर्क करके आपको दिखाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास, हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो क्लास देते हैं, तो उस क्लास में इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम उनको बाकायदा बढ़िया से बताते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स कहाँ पर कम नॉलेज रखते हैं, तो मैं उसको हमेशा एनहेंस करने की कोशिश करता हूँ, और डेफिनेटली मैं करता रहूँगा। और बस दोस्तों, आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। बस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई पेज। अब वंस अगेन मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे इस ट्यूटोरियल्स को देखा आपने, बढ़िया से सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।